Hello students, welcome to our channel. Exercise 2.2 and the question number 4 is sum of two number is 95. Means ki do number hai hamare paas unka jo sum means plus unka jo plus hoga wo 95 hoga if one exceed the other by 50. Jo un dono mein se koi bhi ek number hoga uska 15 zyada hoga. Find the number. So aapne ab number find out karna hai. So aaiye ab hum solve karte hain sum ko. Let one of the number be is equals to x. एक को हम x मान लेते हैं, ठीक है? Then the other number becomes. So other number क्या होगा? अगर एक number x है, तो दूसरा number क्या होगा? x प्लस 15, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था एक 15 ज्यादा होगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन? x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95. यही था हमारे पास, दो नंबर थे उनका सम था 95. यही बन रही है स्टेटमेंट हमारे पास. तो आइए हम सॉल्व करते हैं. x प्लस x 2x plus 15 is equals to 95. बन गया 95. अब वेरिएबल्स एक तरफ ले जाने हैं एंड कॉन्स्टेंट्स एक तरफ ले जाने हैं. 2x is equals to प्लस का 15 है, इधर जाके क्या बनेगा? माइनस का 15. ओके, 2x equals to 95 माइनस 15, हाउ मच? 80. ओके, सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 क्या है? मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या बनेगा? डिवाइड में, 80/2. आंसर इज x इक्वल्स टू 40. तो हमारे पास x आ गया 40. ओके, एक आ गया हमारे पास 40, x की वैल्यू एक आ गई. दूसरे की क्या आएगी? उसमें हम क्या करेंगे? x प्लस 15 ऐड कर देंगे. सो फर्स्ट नंबर ऑफ x इज 40 एंड द सेकेंड नंबर ऑफ x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 15. तो इट्स आंसर इज 55. एक आ गया 40, दूसरा आ गया 55.